नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बर्फ़ी तो सभी को पसंद होती है, तो खोए से अगर इसे हम बनाते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आज इसे हम पनीर से बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएगी और टेस्टी तो बहुत ही होगी। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इस बर्फ़ी के लिए मैंने 2 कटोरी पनीर लिया है। आप घर में बना हुआ ताज़ा पनीर लें, और 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। सेम कटोरी से आप ये सब कुछ लें। और देखिए, इस तरह से मलाई वाला दूध लिया है, दूध हमें थोड़ा ही चाहिए। तो इन सब सामान को हम मिक्सी में डालेंगे, पनीर, चीनी, मिल्क पाउडर, और दूध डालकर इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो दूध के साथ आप मलाई भी डाल दें और टेस्टी बनेगी। तो दूध बहुत ज़्यादा ना डालें, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमें पतला पेस्ट नहीं बनाना है, इसको गाढ़ा ही पीसना है। तो आप इसको पीस लें। अब एक कढ़ाई में देखिए, हम 1 चम्मच घी डालेंगे, और ये देखिए इस तरह का बैटर हमने बना लिया उसको पीस कर। तो अब कढ़ाई में हम घी डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच घी डालें आप, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उसमें हम ये बैटर डाल देंगे हम जो हमने बनाया है। अब गैस को हम यहाँ फुल रखेंगे और इसे बॉईल आने देंगे। आप ध्यान रखिए इसे चलाते रहें थोड़ा थोड़ा, नहीं तो नीचे लग जाएगा। अब देखिए बॉईल हो जाएगा 4 से 5 मिनट में और थिक होने लग जाएगा। तो अब इसे आपको लगातार चलाना है और गैस को मीडियम रखनी है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा होने लग गया है, और इसी तरह ये गाढ़ा होता जाएगा। आप इसे चलाते रहिए, और थोड़ा सा इलायची डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। बाकी चीनी वगैरह सब इसमें है, हमें कुछ नहीं डालना है। बस आपको इसे थोड़ा सा चलाते हुए इतनी सी मेहनत करनी है। देखिए अब ये गाढ़ा होने लग गया है, तो आपको इसको लगातार चलाना है। और आप गैस को अच्छे से तेज कर सकते हैं, और देखिए जब तक ये कंसिस्टेंसी जमने वाली ना हो जाए आपको, तब तक इसे चलाना है। तो देखिए बहुत अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब एक प्लेट पर हम थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे, और इसमें बर्फ़ी को हम जमा देंगे। तो आप किसी भी तरह के प्लेट में डाल सकते हैं, जैसी शेप आपको चाहिए। तो मैंने स्क्वायर शेप के लिए इसे जमाया है। तो आप इस तरह से सेट कर दीजिए इसे चारों तरफ से। और अब इसमें हम फाइनल टच देंगे। तो ये मैंने देखिए पिस्ता को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है। आप इसे इस पे अच्छे से भुरक दीजिए, ताकि बहुत अच्छे से ये कवर हो जाए। आप चलनी से भी छिड़क सकते हैं, और इसको जमा दीजिए हाथ से या 1 चम्मच की हेल्प से। अब इसे हम सेट होने देंगे, 1 या 2 घंटे में फ्रिज में हो जाएगी। अगर बाहर रखेंगे तो 3-4 घंटे में सेट हो जाएगी। तो इसे जमने दीजिए आप थोड़ी देर। ये देखिए जम गई है, तो हम थोड़ा सा साइड से इसका निकाल देंगे, ताकि अच्छी शेप में कट सके। तो इस तरह से आप साइड का निकाल दीजिए, या ज़रूरी भी नहीं, आप वैसे ही काट सकते हैं। और इस तरह से इसमें अपने मनपसंद शेप से आप कट लगा लीजिए। ये बहुत ही अच्छी बर्फ़ी जमकर तैयार हुई है, और पनीर से बनी है, और पिस्ता की वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप इसे बनाइए त्यौहार पर या वैसे ही। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।